हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव कुमार गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यदि आप अपने वीडियो को लैपटॉप से डेस्कटॉप से एडिट करना चाहते हैं तो आपको जरूरत होती है एक बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, मतलब आपको भैया पैसे भी नहीं देने हैं और आपको एक अच्छा सा बेस्ट सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन फिलहाल यदि आप अपने वीडियो को मोबाइल से एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि आपके लिए बेस्ट और फ्री वीडियो एडिटिंग ऐप कौन सा है। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे क्लिक करके देख सकते हो या फिर आपको उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आप आई बटन को क्लिक करो और इस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बेस्ट फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आज मैं रिव्यू देने वाला हूं फिल्मोरा 9 का। मतलब अभी जो आपने देखा होगा, मेरा एक एल्बम आया था, एल्बम सॉन्ग आया था, तो उसको मैंने फिल्मोरा 9 से एडिट किया था। और उसके पिछले जितने भी मैं वीडियो एडिट करता था वो मैं हिट फिल्म एक्सप्रेस से करता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो बिगनर्स के लिए थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब बिगनर्स से यूज नहीं कर सकते। तो अब जो मैं आज आपको रिव्यू देने वाला हूँ फिल्मोरा 9 का, वो बहुत ही ईजी है। और मैं आपको बता दूँ कि अब मैं भी जितनी भी सारी वीडियो एडिट करूँगा इसी सॉफ्टवेयर से एडिट करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत अच्छे तरीके से आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि जो बड़े बड़े प्रोफेशनल यूट्यूबर भी है ना, वो इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। मैं आपको बता दूँ, ये एक साल पहले जब इसे हम यूज करते थे तो यहाँ पे इसको कुछ पैसे देने पड़ते थे, यदि आप पैसे नहीं देते थे तो वाटरमार्क आता था। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर हो गया बिल्कुल फ्री हो गया है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके सारे टूल्स क्या क्या हैं, इसमें कैसे इस टूल्स को यूज कर सकते हो, क्या क्या ट्रांजेक्शन है और बहुत सारे फिल्टर्स इसमें आपको मिल जाएंगे, तो वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक का देखते रहिए। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आपको उसको क्लिक करना है और आप पहुंच जाएंगे फिल्मोरा के ऑफिशियल वेबसाइट में। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है फिल्मोरा 9, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लो। अब इंस्टॉल करना तो आपको पता ही हो गया यार। तो चलो इसके बाद हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो देखो, यहाँ पे आपको अपने ब्राउजर पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है फिल्मोरा। तो यहाँ पे मैं फिल्मोरा सर्च कर लेता हूँ। इसके बाद आपको जब फिल्मोरा सर्च करेंगे उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, जैसे कि यहाँ पे ये पहले नंबर पे ही आ गया है filmora.wondershare.net। तो ये इसकी वेबसाइट में आप पहुँच जाइए। यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे यदि आप नीचे आए तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्री डाउनलोड को आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये विंडो 1087 के लिए अवेलेबल है। यदि आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यदि आप मैकबुक यूज करते हैं तो आप यहाँ पे स्विच टू मैक वर्जन पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद देखो, यहाँ पे मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी कर रखा है तो आप भी इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है, तो चलो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो मीडिया है, मीडिया में आप यहाँ पे कोई भी मीडिया जो फोटो है, साउंड है और वीडियो है, वो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दीजिए या फिर अभी एक क्लिक भी करेंगे तो इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और जो भी मेरे पास वीडियो है मेरे लैपटॉप के अंदर वो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ऑनलाइन राइटिंग वाला एक वीडियो है तो इसको इंपोर्ट करना चाहूँ तो इंपोर्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा मैंने एक एल्बम यहाँ पे शूट किया था, उसको ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके ओपन करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये चुटकियों में यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, देखो यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट होती है तो वो है 4GB RAM। आपके पास 4GB आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में रैम है तो आप इस सॉफ्टवेयर को बहुत ही आसानी से यूज कर पाएंगे। यदि आपके पास इससे कम रैम है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अब देखो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम जब वीडियो को शूट कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमारे वीडियो के अंदर कई बार हमसे गलती हो जाती है, तो हमको लगता है कि यार चलो वीडियो जब एडिट करेंगे उस टाइम पे हम उसे कट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे ओपन करो और अपने वीडियो को देखो कि यार यहाँ पे थोड़ी हमने गलती करी थी, तो आपका जो ये टाइमलाइन में आप देख सकते हैं आपका जो ये टाइम बार चलता है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे आप वीडियो को चालू करो और देखो कि भैया ये जो वीडियो है आपकी चल रही है। इसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बताना यहाँ पे चाहूँगा, आपके टाइमलाइन में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो यदि आप किसी वीडियो को जैसे आप इसे कट करना चाहते हैं तो आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। यदि आप इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं है और आप इस आइकन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी सारी जितनी भी टाइमलाइन में चीज़ें हैं वो सारी कट जाएंगी। तो आपको ऐसा गलती नहीं करनी है। तो आपको इस वीडियो को कट करना है तो आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस कैंची के आइकन पर क्लिक करना है तो हमारी जो वीडियो है यहाँ से कट जाएगी।
तो हमारी जो वीडियो है वो दो पार्ट में हो गई। इसके बाद यहाँ पे फिर से हमको आना है और चालू करके देखना है कि यार हमने कहाँ पे गलती करी है। तो चलो हम यहाँ पे चल दिए और हमको लगता है कि हाँ यहाँ तक मैंने गलती करी थी। तो यहाँ पे फिर से आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करना है और इस कैंची के आइकन पे आपको क्लिक करना है और फिर आपको भैया यहाँ पे इस जिसको भी आप हटाना चाहते हो उसको सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है और डिलीट करना है। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो ये जो पीछे वाले हैं ये सारे यहाँ पे चिपक जाएंगे। तो आप इसको राइट क्लिक करिए और डिलीट कर दीजिए। जैसे ही डिलीट करेंगे तो ये जो पीछे वाले थे वीडियो वो आके इस पे चिपक गया। तो यहाँ पे आपकी जो जो आपने गलती करी थी वो यहाँ पे कट जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑडियो का एक सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप कोई भी ऑडियो यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड साउंड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको काफी सारी कैटेगरी मिल जाती है, यंग एंड ब्राइट और बहुत सारी कैटेगरी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे कोई भी आप बैकग्राउंड साउंड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। आपको ये चीजें आपको किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं मिलेगी, मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है? तो क्योंकि ये फ्री में है, अब आपको मिलती भी है तो कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर मिलती भी है तो वहां पे उसको आपको पेमेंट करना होता है, लेकिन ये फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ये चीजें कहीं पे भी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको टाइटल बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। और इस सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो के अंदर आप टाइटल यूज करते हो, तो जैसे कि प्राइमर प्रो है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो बहुत ही प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग होती है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो यदि आप इस तरीके का टाइटल यूज करना चाहते हैं तो देखो, आपको यदि किसी प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर बताओ आपको फ्री में बना बनाया मिल जाता है। तो ये भी बहुत ही कमाल की चीज़ है और यहाँ पर आपको बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे, मतलब कि आप देख कि खुद शौक हो जाओगे कि यार बहुत मजेदार ये जो सॉफ्टवेयर है, बहुत ही मजेदार है। और साथ ही यहाँ पे देखो, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस एक क्लिक पे आप वो सारी एडिटिंग यहाँ पे कर पाएंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी आपको बहुत गजब गजब के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अभी जो मेरा एल्बम शूट हुआ था ना, तो उसमें मैंने बहुत सारे ट्रांजेक्शन लगाए थे, तो वो इसी के से लगाया था मैंने। यदि मैं उस चीज़ को यदि अपने, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं हिट फिल्म से पहले अपने वीडियो को एडिट करता था, तो वहाँ पे यदि इस तरीके की एडिटिंग करूंगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और शायद इस तरीके से कर भी ना पाऊँ। दूसरी चीज़, यहाँ पर अभी मैं आपको डिटेल के साथ इस चीज़ को दिखाऊंगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको इफेक्ट भी बहुत सारे मिल जाते हैं, इफेक्ट यूज कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अभी इंस्टाग्राम में वीडियो आती है उस तरीके से भी आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, जैसे कि लव के आइकन है, लोगो है और बहुत सारे यहाँ पे आपको लोगो टाइटल जो होते हैं वो सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप उसे अपने वीडियो के अंदर यूज कर सकते हैं और किस किस ड्यूरेशन में आपको दिखाना है उस तरीके से भी आप इसे एडिट करके लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है जो बहुत सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं मिलता है। आपको ये करना होगा तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें फ्री में यहाँ पे देखने को मिल जाती है और एक क्लिक पे आप ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी वीडियो को यहाँ पे अपने वीडियो के अंदर एक स्क्रीन के अंदर दो दो तीन तीन वीडियो को अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत ही कमाल की चीज़ है, यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलो हम मीडिया के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जैसे कि मैंने एक वीडियो इंपोर्ट किया है, यदि आप इंपोर्ट करना चाहें तो यहाँ पे डबल क्लिक आपको करना है और जो भी वीडियो आप चाहे उसे सेलेक्ट करके ओपन करके यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं और ये बहुत ही चुटकियों में इंपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद चलो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे यदि आप इसको टाइमलाइन में लाना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस का आपको आइकन दिखेगा, आप प्लस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप इसे खींच के भी अपने टाइमलाइन में ला सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको और काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप प्लस पे यदि क्लिक करें तो आप यहाँ पे और भी वीडियो ट्रैक यहाँ पे लगा सकते हैं और जितने चाहें आप ऑडियो ट्रैक लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक वीडियो चलती है, फिर उसकी उस वीडियो के अंदर आप कोई वीडियो लगाना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हो जैसे यहाँ पे जो मेरी ये वीडियो है इसके ऊपर मैं कोई और वीडियो चलाऊं लेकिन जो इस वीडियो का साउंड है वो यहां पे चले लेकिन ये वीडियो ना दिखे और वीडियो कोई और दिखे, तो हमको क्या करना होगा? जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, तो यहां पे ऐड वीडियो ट्रैक यहां पे मैं करूंगा और जो दूसरी वीडियो मेरे पास है उसे मैं यहां पे इसके ऊपर लाके रख दूंगा। और इसके बाद क्या करूंगा, यदि मैं चाहता हूं ये जो नीचे वाली वीडियो थी इसका मुझे साउंड ऊपर वाले वीडियो में दिखाना, तो हो सकता है मेरे ऊपर वाले वीडियो में साउंड हो तो उसको मैं कर दूंगा म्यूट, और म्यूट करने के बाद नीचे वाला का म्यूट नहीं करूंगा। तो जब ये वीडियो चलेगी तो इसमें नीचे वाले वीडियो का साउंड चलेगा, लेकिन फिलहाल नीचे वाले में, क्योंकि मैं आपको बता दूं इसमें ओले ओले सॉन्ग है तो इसको मैं नहीं सुनाना चाहता, नहीं तो मेरी वीडियो में कॉपीराइट आ सकता है और उससे जो मेरी वीडियो है उसमें मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, उससे मेरी अर्निंग नहीं होगी, ठीक है? तो मैं फिलहाल एक काम करता हूं, मैं अंडू करता हूँ और इसमें एक काम मैं ये करता हूँ कि इस वीडियो को मैं नीचे ले लेता हूँ। इस वीडियो को नीचे ले लेने के बाद यहाँ पे मैं एक वीडियो ट्रैक जोड़ लेता हूँ और इस वीडियो को दिखा देता हूं और इसका वीडियो या इसका साउंड जो है वो म्यूट कर देता हूं। और जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं,
तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली वीडियो चल रही है लेकिन नीचे वाले का सॉन्ग बज रहा है, तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। और काफ़ी सारे इसमें, अब चलो मैं आपको कुछ ऑडियो दिखाता हूँ, यदि आप इस वीडियो के अंदर कुछ ऑडियो यूज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड साउंड यूज करना चाहते हैं, तो आपको देखो यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड साउंड मिल जाते हैं, तो आपको कुछ डाउनलोड भी करना पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल फ्री है तो आप इसे फ्री में यूज कर सकते हैं, कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। तो आपको इसको प्लस पे क्लिक करना है, और ये जो देख सकते हो आप कि ये टाइमलाइन में नीचे ये ऑडियो सेक्शन में ये ऐड हो चुका है। तो अब जब आप वीडियो अपनी चलाएंगे तो ये बैकग्राउंड जो साउंड है वो नीचे चलता जाएगा। इसके बाद एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताऊंगा, यहाँ पे यदि आप अपना माउस ले जाएं तो यहाँ पे एक हाथ का निशान आता है, तो आप इसके साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब यदि आपको लगता है कि ये जो बैकग्राउंड साउंड है, इसका जो आवाज़ है, साउंड है बहुत ज़्यादा है, और आपका जो रियल वीडियो है उसका साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, तो आप इसके साउंड को, इसके वॉल्यूम को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको और मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, चलो मैं इसे कट करता हूँ। अभी इसके बाद यहाँ पे टाइटल्स में भी आप जा सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मेरी, एक काम करता हूँ मैं इसको म्यूट कर देता हूँ थोड़ी सी आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए, तो चलो इसे मैं म्यूट कर दिया। अब मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये मेरा देखो वीडियो स्टार्ट हो रहा है, तो वीडियो स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यार मेरी वीडियो में यहाँ पे गौरव कुमार गुप्ता दिखे, जैसे मैं बोलता हूँ हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरव कुमार गुप्ता, तो गौरव कुमार गुप्ता वहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए यहाँ पे मैं टाइटल्स पे आ गया। अब आप जो भी जिस तरीके का टाइटल दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरीके का भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ अपने वीडियो के अंदर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये वीडियो ओपन होता है तो यहाँ पे टाइटल हियर आता है, तो यहाँ पे आप इस पर डबल क्लिक यदि करें तो इसकी एडिटिंग आप कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे टाइटल हियर जहाँ पे लिखा है वहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ गौरव कुमार गुप्ता, और इसको मैं कर देता हूँ ओके। और इसके बाद इसको मैं थोड़ी सी इधर खींच लेता हूँ, ये सारी चीज़ आप कर पाएंगे। और एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन रखी है, यदि आप इसे नहीं लेना चाहते तो इसको डबल क्लिक करो और भैया कर दो डिलीट। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ मैं ज़्यादातर इस तरीके के टाइटल यूज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं आया और ये मैं प्लस पे क्लिक किया तो ये जो टाइटल है ये आ गया। अब यहाँ पे मैं इसे ओपन कर जब चालू करता हूँ वीडियो तो इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टेड बाई ऊपर लिखा है, तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और जो डायरेक्टेड बाई है उसको मैं हटा देता हूँ, तो ये हट गया। अब इसके बाद ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो ये लिखा है इसके जगह पे मैं क्या लिखना चाहता हूँ, अपना नाम, तो चलो मैं लिख देता हूँ, तो ये गौरव कुमार गुप्ता मैंने लिख दिया। इसके बाद मैं इसको चाहता हूँ कि भैया इसको थोड़ी सी हम अपन यहाँ पे साइड में कर दें, तो ये भी हो गया। अब चलो वीडियो को चालू करके देखते हैं, तो ये जो गौरव कुमार गुप्ता है ये इस तरीके से आता है, और यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें लगा सकते हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे जब आप इसे यूज करेंगे ना, तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप इसको भी खींच के अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, कि आप चाहते हो कि ये जो है तो धीरे धीरे आए और काफ़ी वीडियो दूर तक जाए, तो यहाँ पे आप देखना टाइमलाइन में, तो जब मैं इसे चालू करूंगा तो इस तरीके से जो मेरा गौरव कुमार गुप्ता है वो थोड़ी सी स्लो में आएगा, और तो इस तरीके से आप इस चीज़ को सेट कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये चीज़ आप यदि किसी प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। तो चलो मैं इसे रहन देता हूँ। इसके बाद अब मैं आपको ट्रांजिशन दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे। जो मैं अपने वीडियो के अंदर यूज किया था, जो मेरा एल्बम सॉन्ग आया था, तो मैं उसके अंदर ये ट्रांजिशन यूज किया था, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, जैसे आप चाहते हो, और ये जब टाइटल आ जाता है इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन अलग से है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक काम करना है, ये हमको यहाँ पे कैंची का एक आइकन दिखेगा, इसको क्लिक करना है, तो हमारी जो वीडियो है वो कट गई। इसके बाद यहाँ पे आप जो भी ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं, जैसे कोई अलग अलग वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे आप कोई मान लो आप बताने वाले हो बेस्ट 5 वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, तो आपने पहला बताया, फिर आप दूसरा बताने जब जा रहे हैं तो आपको लगता है एक ट्रांजिशन यहाँ पे हम लगा दें, तो इसके लिए चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ये, चलो ये लगा के दिखाता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे देखो प्लस पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे टाइमलाइन में आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखेगा। तो देखो ये टाइमलाइन में ये वीडियो जो है वो चल दी, तो अभी तो हमारा टाइटल आया, इसके बाद अब ये आएगा, देखना आप यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये देखो इस तरीके से ट्रांजेक्शन आएगा और दूसरी वीडियो यहाँ पे चालू हो जाएगी। तो यदि ये ट्रांजेक्शन आप नहीं लगाना चाहते तो इसे चलो यहाँ पे राइट क्लिक करना है और डिलीट कर देना है, तो इसको चलो हम प्लस करते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्टली खींच के भी यहाँ पे आप ला सकते हैं, तो ये मैंने लगा दिया। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ, तो यदि आप इसे ओपन करें और इस वीडियो को हम चालू करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा ट्रांजेक्शन आएगा, तो इस तरीके से आप दूसरी वीडियो को ओपन कर सकते हैं। इफेक्ट के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे आपको शेक इफेक्ट मिल जाता है, जैसे आपने देखा होगा। चलो मैं इसको हटाता हूँ तो आपको दिखाने में आसानी होगी, इसे मैं डिलीट करता हूँ, जो भी टाइटल हमने यहाँ पे लगाया है इसे डिलीट करते हैं और यहाँ पे इसको लगाते हैं। तो आप देखना हमारी वीडियो के अंदर एक जो शेक इफेक्ट हमने लगाया, तो इस तरीके से शेक इफेक्ट आता है कि आपकी जो वीडियो है वो हिलेगी, तो आप जितना चाहो उस तरीके से आप यहाँ पे शेक इफेक्ट लगा सकते हैं। और बहुत सारे आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे इंस्टाग्राम में बहुत सारे इफेक्ट होते हैं वीडियो के अंदर, कि आपकी जो वीडियो है उसके अंदर थोड़ी सी कुछ ऐसा
सा लाइट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उस तरीके से आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। जब आप यूज करेंगे आपको देखो एक दो दिन लगेगा, जब आप एक दो दिन इसे अच्छे तरीके से यूज कर लेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा और आप अपनी वीडियो को एक प्रोफेशनल हाई लेवल तक एडिट कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एलिमेंट आप देख सकते हैं कि यदि आप अपने वीडियो के अंदर, चलो ये मैं लव का ये जो आइकन है वो लगा के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपने वीडियो को चालू करता हूँ तो इस तरीके से लोगो आएगा। अब यहाँ पे आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, यदि छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो उस तरीके से आप अपने वीडियो के अंदर इसे लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि लव का ही, आपको बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरी वाइज बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो आप उस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल जो भी चीज़ें थी मैंने आपको समझा दी। अब एक चीज़ मैं आपको और ज़रूर यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यदि आपके मान लो वीडियो की क्वालिटी सही नहीं है, आपके वीडियो में लाइटिंग कम थी, तो आप वीडियो की लाइटिंग को भी एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो जो भी आपकी टाइमलाइन में वीडियो है आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलो हमने वीडियो को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देखो तो अब आप देख सकते हो हमारी जो वीडियो है अभी इस तरीके से दिख रही है। तो हम यहाँ पे कलर ग्रेडिंग करेंगे कि यार जो मेरी वीडियो है उसमें जो मेरा चेहरा है वो ब्लैक दिख रहा है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसे व्हाइट बैलेंस में मैं आपको दिखाता हूँ, तो इस तरीके से आप इसका जो कलर है उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि यार आपका जो कलर है वो किस तरीके से दिखे, तो आप उस तरीके से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और हाँ एक चीज़ याद रखना कि आपको देखो एक दो दिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यदि आप कुछ गलत तरीके से यूज करेंगे तो आपकी वीडियो खराब भी हो सकती है, तो आप इस तरीके से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखो पहले हमारा चेहरा जो था वो ब्लैक दिख रहा था, अभी थोड़ी सी हमारे चेहरे पे ब्राइटनेस आ गई है, साथ ही यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें मिल गई। थोड़ी मैं कलर्स पे फोकस करूँ तो ब्राइटनेस हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं अपने वीडियो का, तो ये देखो हमारा जो फेस है उसमें और ब्राइटनेस अच्छी आ गई है, साथ ही कंस्ट्रक्ट थोड़ी बढ़ा देते हैं तो जो वीडियो है उसमें शार्पनेस बहुत अच्छी आ जाएगी, और इसको थोड़ी सी कम कर देते हैं तो ये अब अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं और आप इसे सेव भी कर सकते हैं, यदि आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ी सी अभी खराब हो गया तो इसे कैंसिल करके हटा भी सकते हैं। तो आप देख सकते हो अभी इसमें ब्लैक है लेकिन चेहरे पर उतनी ब्राइटनेस नहीं है, लेकिन वहाँ पर जब मैं एडिट किया था तो उस तरीके से आप भी एडिट कर सकते हैं। और इसके एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए इसमें बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि ये वीडियो बड़ी है, तो मैं थोड़ी सी डिलीट करता हूँ और इस वीडियो को छोटी कर देता हूँ। अब आपको एक्सपोर्ट कैसे करना है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यदि आप जाएं तो यहां पे देखो आपको एक्सपोर्ट का एक बटन मिलता है, तो चलो एक्सपोर्ट पे हम क्लिक कर देते हैं कि आप अपनी वीडियो को MP4 फॉर्मेट में लेना चाहते हैं या किस फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, तो उस तरीके से आप ले सकते हैं। डिवाइस भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप यहाँ पे डायरेक्टली अपनी वीडियो को YouTube में भी अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे वीमो DVD भी ले सकते हैं, बना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको देखो MP4 ही मैं मैक्सिमम लेता हूँ, तो आपको इसको कोई छेड़खानी नहीं करनी है तो यहाँ पे। और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे आप रेजुलेशन ले सकते हैं, तो यहाँ पे वैसे 1920x1080 काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और 25 FPS भी सही है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्टली यहां पे एक्सपोर्ट करेंगे तो यहां पे आपकी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। अब ये वीडियो एक्सपोर्ट कहां हुई है तो ये भी आप देख सकते हैं, फाइंड टारगेट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो वीडियो है कहाँ पे हुई है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, और यदि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी है ये भी हमको जरूर बताना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ले 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 ले